भूषण ज्वेलर्स। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विजेता भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा का स्वारघाट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों की थाप पर स्वागत किया गया। रोमांचक मुकाबले के तहत विजेता होने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर वे लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस अवसर पर रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भले ही जीत का अंतर बहुत कम रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जिता रहे कैंडिडेट को हराना अपने ही आप में एक बड़ी जीत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को जीत का सेहरा बांधा और कहा कि जनता के अपार स्नेह वे कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आज ये जीत उन्हें हासिल हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को जीत का सेहरा बांधा और कहा कि जनता के अपार स्नेह वे कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आज ये जीत उन्हें हासिल हुई है। विधानसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से इतनी बड़ी ये जीत हासिल हुई है, जिसमें हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समस्त जनता का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने समर्थन देकर मुझे विजयी बनाया है। और एक जो कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनके खिलाफ ये जीत हासिल हुई है, जिसके कारण ये जीत कम अंतर से होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं समस्त जनता का फिर से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, जिन उम्मीदों और आशाओं से उन्होंने मुझे विजयी बनाया है, मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी संघर्ष करके सत्ता पक्ष के माध्यम से उनकी आशाओं और उनके विश्वास को पूरा करूंगा। इस बात का विश्वास मैं आज उनको दिलाना चाहता हूँ। स्वरघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।